हेलो दोस्तों, इस बार हम जो बात करने वाले हैं आज के वीडियो में वो बात है उत्तराधिकार के नियम की। उत्तराधिकार का नियम आखिर क्या होता था सल्तनत काल में कि किसी व्यक्ति को कैसे उत्तराधिकार की घोषणा की जाए या उसको उत्तराधिकारी बनाया जाए और कैसे वो अगला सुल्तान बनने वाला होता था, तो बहुत सारे अलग अलग नियम यहाँ हुआ करते थे। देखिए, कोई प्रॉपर एक रूल्स नहीं हुआ करता था उत्तराधिकार का, मैं आपको बता दूँ। तो हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं उत्तराधिकार की। उत्तराधिकार मतलब अगला शासक नियुक्त होने के क्या क्या नियम अधिकार है या नियम निर्देश वगैरह क्या क्या है। तो उत्तराधिकार का ऐसा बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत में कोई प्रॉपर तो रूल था नहीं कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कुछ धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से कुछ बंच ऑफ रूल्स हुआ करते थे। कुछ बहुत सारे रूल थे छोटे मोटे, उनको ध्यान में रख के ही चीज़ें की जाती थी। लेकिन मैं ऐसा बता दूं आपको कि कहीं ना कहीं इन नियमों का भी पालन यहाँ हुआ नहीं है। सबसे पहले अगर बात करें तो जो सबसे प्रमुख बात हुआ करती थी वो ये था कि शासक क्या हो, पुरुष हो। क्या हो भाई? पुरुष वर्ग का हो। लेकिन आप देखेंगे कि सल्तनत काल में रजिया सुल्तान जो है वो महिला थी, महिला सुल्ताना है ना, भारत की पहली महिला सुल्ताना है। तो यहाँ उत्तराधिकार के नियम के हिसाब से तो शासक वर्ग क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके भी रजिया ने शासन किया है 1240 से 1236 से 1240, 4 सालों तक। इसके अलावा एक और नियम हुआ करता था कि वयस्क हो। क्या हो भाई? वयस्क हो, पुरुष हो, पुरुष वयस्क भी हो, ठीक है। सो वयस्क की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कहीं ना कहीं नियमों को तार तार किया गया है कई जगहों पर। जैसे अगर हम बात कर लें तो गुलाम वंश के समय कैमूस सबसे छोटा शासक है दिल्ली सल्तनत का, सबसे छोटा सुल्तान, ठीक है। सो कैमूस भी वयस्क नहीं था। इसके अलावा अगर बात करें तो शहाबुद्दीन उमर ये भी वयस्क नहीं था, अल्प वयस्क था। साथ ही साथ अगर बात करें तो महमूद खिलजी भी शासक था जो वयस्क नहीं था। तो यहाँ भी तार तार कर दिए गए नियमों को, आदि सारी चीज़ें बात करें। वयस्क के अलावा यहाँ अगली चीज़ जो होती थी वो ये था कि कोई प्रमुख अंग जो है, प्रमुख अंग किसी भी शासक का प्रमुख अंग भंग ना हो, ठीक है। भंग ना हो मतलब खराब ना हो, ऐसी स्थिति की अगर हम बात करें तो। सो अंग भंग ना हो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देखेंगे कि कैकुबाद जो है शासक हुआ है गुलाम वंश में, तो कैकुबाद अचानक से लकवा ग्रस्त हो जाता है, लकवा मार जाता है उसके शरीर को। बावजूद उसके लकवा ग्रस्त शरीर के उसको उत्तराधिकारी या फिर बात करें शासक बनाए रखा जाता है, उसको हटाया नहीं जाता। सो यहाँ भी ये समस्या आप देख पा रहे हैं कि उत्तराधिकार के नियम को फॉलो यहाँ नहीं किया गया। और अगर बात करी जाए तो शासक स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे और पाएंगे कि जैसे ही शुरुआत होती दिल्ली सल्तनत की, गुलाम वंश नाम ही इसीलिए रखा जाता है क्योंकि पहला जो शासक है या जो संस्थापक है गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो सुल्तान तो तभी बन गया था जब वो गुलाम हुआ करता था। 1206 में उसको शासक नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन बावजूद उसके 1208 में उसको अपनी गुलामी से आज़ादी मिली। तो तब अगर बात करी जाए तो वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं स्वतंत्र तो नहीं था इनिशियली, ठीक है। सो स्वतंत्र भी यहाँ इस नियम को भी फॉलो नहीं किया गया। दूसरी अगर बात करी जाए तो धर्म के हिसाब से चले या धर्म में आस्था बना के रखे, धर्मों के नियमों को पालन करें, है ना, धार्मिक आस्था की हम यहाँ बात कर रहे हैं। सो आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात कर लें या अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लें, जिन्होंने धार्मिक उलेमाओं वगैरह की किसी की बात अब सुनी नहीं, मनमाने ढंग से काम किया। बल्कि अलाउद्दीन खिलजी तो मुंह से ही बोल देता था कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है धर्म में क्या कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है सारी चीज़ें। बावजूद इसके किसी ने उसको सुल्तान के पद से हटाने की चेष्टा नहीं की। और अगर बात करी जाए तो वो व्यक्ति न्याय निपुण होना चाहिए न्याय में। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि आधे से ज़्यादा शासक ऐसे रहे जिन्हें न्याय की कोई जानकारी थी नहीं, दूसरे उनके बिहाफ पे काम करते थे, सारी चीज़ कठपुतली शासक ज़्यादा हो गए। और इसी में अगर बात कर लें तो नेतृत्व के गुण की भी बात करी गई कि उस व्यक्ति में नेतृत्व का गुण होना चाहिए। अगर हम दिल्ली सल्तनत में देखें और एक एक शासक को गौर करें तो मैं
क्या विद्वान भी दावे के साथ ये कह सकते कि आधे से ज्यादा शासक तो कैसे थे जिनमें नेतृत्व था ही नहीं, और वो इसीलिए शासक बनाए गए थे ताकि अगर वो नेतृत्व उनमें हो जाता तो कैसे काम चल पाता, फिर उन लोगों की नहीं चल पाती। सो नेतृत्व का गुण भी यहाँ लोगों के पास नहीं था। और एक और बता दूं अगर मैं आखिरी, तो चुनाव हो किसके द्वारा, जनता के द्वारा उस व्यक्ति का चुनाव हो, जनता द्वारा चुना जाए वो व्यक्ति, ठीक है, उसका चुनाव हो, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं मैक्सिमम टाइम। मैं आपको बता दूं कि पूरी सल्तनत काल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनता के द्वारा किसी ने चुना हो किसी शासक को, ठीक है। कहीं ना कहीं उस समय जो बड़े बड़े अमीर हुआ करते थे या जिनका दबदबा रहता था, उन लोगों के ही कुछ लोगों के चुनाव से ही अगला शासन नियुक्त कर दिया जाता था शासक, ठीक है। सो यहाँ मुझे लगता है कि उत्तराधिकार के जो नियम थे सल्तनत कालीन, यहाँ पे जनरली तुर्क शासक ही हुए हैं, सारे के सारे तुर्क वाले ही मैक्सिमम शासक रहे हैं। तो कहीं ये नियम कायदे कानून उत्तराधिकार की बात करें तो किसी ना किसी कानून को तोड़ा गया है, इन सारे नियमों को फॉलो करके ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो शासक बना हो यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि उत्तराधिकार के नियम, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉपर नियम नहीं थे, कोई पर्टिकुलर था ही नहीं कि उत्तराधिकार के लिए ये नियम होने चाहिए। ये तो धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से, शासन के हिसाब से कुछ नियम कायदे बनाए गए थे जिनका हमेशा तोड़ा जाना ही मुमकिन हो पाया, कभी सारे नियम्स को फॉलो नहीं किया जा पाया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।